आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे अपने डेज को तो आज मैंने व्लॉग की शुरुआत की है सुबह नौ बजे से और अभी मतलब घर में नाश्ता बन चुका है और मेरी मेहंदी का कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है जब मैं आपसे कल कह रही थी कि मेहंदी अपना कलर बाद में डार्क कर देगी तो ये देखिए डार्क हो चुका है और मैंने आपको पहले ही बताया था ये यार का कमाल है मेहंदी केमिकल का कमाल है तो आज नाश्ते में बनाई हुई है हमने हरी सब्जी और रोटियां तो हरी सब्जी तो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है इसलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अपने किचन में लेके चलती हूँ और आप सभी को दिखाती हूँ कि वो सब्जी कितनी टेस्टी सी बनी हुई है तो ये रहा मेरा किचन तो मैंने तो रोटियाँ बना के यहाँ पर रखी थी इसको मैंने बंदिश लेने गया था तो गर्म थी अभी और इसमें है हरी सब्ज़ी ये भी मेरा हाथ जल गया था इसलिए मैं इसको ओपन करके नहीं दिखाऊंगी और एक रोटी आज मैंने इतनी अच्छी बना दी थी जला के इसलिए मैंने इसको अलग से रखा है कि इसको मैं गाय को दे दूँगी और ये बॉटल मैंने जो ऑनलाइन मंगाए थे इसका मैं एक और चीज़ बताऊँगी इसका एक ही चीज़ बुरा है कि इसका जो ढक्कन है वो बहुत ज़्यादा टाइट है और उसको लगा दिया तो फिर निकालते टाइम बहुत दिक्कत करता है क्योंकि एक तो ऑयल की बॉटल है तो हाथों से खिसकती है तो इसीलिए मिलते हैं बाहर तो अब आने वाली हैं दीवालियाँ कुछ टाइम बाद और मैं और मेरी सासुमा तो अभी से हम साफ़ सफ़ाई में लगे हैं तो आज हमने सोचा कि हम ये वाला एरिया पूरा क्लीन करेंगे खोलेंगे मतलब इसके बाहर से मेरे रह तो उसको हम खोलेंगे और उसके बाद पूरी फोटो उसको साफ़ करेंगे और अच्छे से अपना घर डेकोरेट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये रूम कितने से सजाया हुआ है और यहाँ बहुत सारी पिक्चर्स लगाई हुई हैं जो बहुत पुरानी पुरानी है और बहुत अच्छी हैं तो जब मैं इसको क्लीन करूंगी मैं आप सबको बताऊंगी कि ये फोटोज कब की हैं और क्या है तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में तो अभी मम्मी और मैं नाश्ता करने बैठ गए हैं तो हमने नाश्ते में प्लेट लगा दी है तो चलिए फटाफट से हम लोग नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं कर रहे थे आम साफ सफ़ाई तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें मिली जो मैंने पहले नहीं देखी हुई थी अपने घर पर सजाई हुई थी मतलब मैं बहुत टाइम से सोचती कि निकालूँ और देखूँ तो मैंने अभी तक नहीं देखा था और पीछे मम्मी भी साफ़ सफाई में लगी हुई है तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकाल के रखी हैं जो बहुत पुरानी यादों से जुड़ी हुई हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे ससुर जी थे आर्मी में और वो जब अपने एज के वो अट्ठारह उन्नीस साल के थे वो तभी फ़ौज में भर्ती हो चुके थे तो आप जानते होंगे कि पहाड़ों में फ़ौज में मतलब भर्ती होने के लिए बहुत सारे लड़के ट्राई करते हैं तो वो फ़ौज में भर्ती हो गए थे और मैं आज इनको आपकी मतलब उनकी आप सभी को बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें दिखाऊंगी तो सबसे पहले तो मैं पापा की चीज़ें दिखाती हूँ जो फर्स्ट है ये देखिए ये पापा को आर्मी से मिला था तो ऐसे ही बहुत सारे मैं आपको सभी दिखाऊंगी आप देख सकते हैं कि उनको आर्मी से मिला हुआ है तो उनके जो मतलब हर टाइम रैंक बढ़ती रहती थी तो उनको कुछ ना कुछ ऐसे नया मिलता रहता था तो किस में तो वो ई एम ई में थे पापा तो वो भी फौज में मतलब एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें मतलब नॉर्मली जो हमारे बड़, बड़े बड़े ट्रक होते हैं टैंक होते हैं तो उन सब चीज़ों के लिए होता है वो तो इसमें आप देख सकते हैं कि उनको एक ये वाला भी मेडल मिला हुआ है तो वो मतलब बहुत जो पापा मतलब जिस चीज में थे आर्मी में ई में तो उसमें रहता है कि नॉर्मली जो बड़े ट्रक टैंक ऐसी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों की उन चीज़ों में ही आप मतलब होते हो तो मैं ज़्यादा इसकी नॉलेज मुझे है नहीं तो मम्मी मुझे पिछले बता रही हैं कि वो किस चीज़ में थे तो आप देख सकते हैं कि उनको एक ये भी मिला हुआ था मतलब अच्छी लगती है पता है ये चीज़ें आप मतलब पैसों से नहीं खरीद सकते ये चीज़ें आपको कमानी पड़ती हैं और अच्छा लगता है कि ये चीज़ें जब हमारे घर में होती हैं तो एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको एक और है ये भी उनको उनकी रैंक के हाई होने पे मिला था और इसमें तो अभी उल्टा दिख रहा होगा लेकिन इस पर लिखा है ई एम ई करके तो ये भी पापा का है और यहाँ पे तो देखिए आप टैंक की फ़ोटोज़ और ये सब भी बने हुए हैं तो ये सब मतलब उनकी रैंक के हिसाब से और जैसा उनकी परफॉर्मेंस होती है उस हिसाब से उनको मिलते थे तो मेरे घर में तो कोई भी मतलब माई के साइड से उतना आर्मिया नहीं था मेरे घर से मुझे ये चीज़ें देखने को नहीं मिली जा रही तो ये भी पापा का ही है तो मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के घर पर देखी थी ये चीज़ें लेकिन मतलब मुझे अभी देखने को मिलती हैं ये चीज़ें कहते तो ना ये चीज़ें आप पैसों से नहीं खरीद सकते ये चीज़ें आपको कमानी पड़ती हैं तो एक और है मेरे पास ये चीज़ें आप देख सकते हैं ये ये भी उनको ही मिला हुआ था इसका उन्होंने भी कांच भी नहीं निकाला है लेकिन क्योंकि फिर वो ख़राब मतलब धूल बैठ जाती है इसलिए हमने निकाले नहीं है तो अभी ये देखो ये देखिए उनकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आर्मी की थी पुरानी तो इसमें पापा अभी बैठे हैं लेकिन मैं आपको बताऊंगी नहीं किधर पे हैं तो ये सब उनकी चीज़ें हैं और जो ने बहुत संभाल के रखी हैं और जब पापा रिटायर होने को आए थे तो उनकी ये वाली फ़ोटोज थी मतलब अच्छी लगी ये वाली बहुत फुल यूनिफॉर्म तो मैं अगली चीज़ आपको दिखाती हूँ ये देखिए ये कोई पापा को उनके बड़े रैंक के ऑफ़िसर कुछ ऐसे जो मैंने आपको प्राइस दिखे वो दे रहे हैं तो उस टाइम की ये फ़ोटो है और ये बहुत सारी पुरानी यादें हैं तो ये उनके शायद बड़े ऑफिसर हैं जहाँ तक मुझे पत लगता है क्योंकि ये शायद बड़े ऑफिसर्स ही देते हैं तो उस टाइम पापा की रैंक कम थी शायद तो उस टाइम की ये पापा तो को दे रहे हैं वो प्राइज़ और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पापा मैंने बताया आपको कि इसमें टैंक ये सब का काम होता था तो ये टैंक पापा पापा उस टाइम्स को करे थे चला रहे होंगे या फिर कुछ काम होगा तो ये फिर फ़ोटोज़ पापा ने रखी हुई हैं जो उनकी बहुत पुरानी पुरानी यादें हैं जो मैं आज मतलब देख रही हूँ ना मुझे अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ें मतलब हमारे घर में थी और इतने टाइम से थी मुझे पता नहीं था और ये तो दो हज़ार ग्यारह बारह की है मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है दस साल लगभग पुरानी है फ़ोटो दस बारह साल तो इसमें भी पापा हैं और इसमें फ्रंट सीट पे ही बैठे हुए हैं पापा सॉरी इधर साइड है उधर नहीं इधर हैं तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं देखने पे जब हम देखते हैं कि इतनी सारी पुरानी यादें हैं हमारी और ये भी जो पापा के साथ के होंगे उनके फ्रेंड्स उनके साथ किसी पार्टी में तो ये उस दिन की फ़ोटो है तो मतलब मैं एक अंदाजे से बोल रही हूँ कि ये वो फ़ोटोज़ हैं करके लेकिन मुझे मतलब बता तो नहीं है करेक्ट क्योंकि मैं वहाँ पे थी नहीं और अब मैं आप सभी को अपनी कुछ फैमिली पिक्चर्स दिखाऊंगी कि जो मतलब बहुत पुरानी थी तो ये है एक बहुत पुरानी तो ये है वो पिक्चर देखिए आप इसमें इसमें छोटे से पंकज हैं और ये कमल भैया हैं कमल भैया मतलब पंकज दो भाई हैं पंकज और कमल भैया कमल उनसे छोटे हैं तो ये उनकी बहुत पुरानी बचपन की है तो मतलब मेरे को देख के आज बहुत अच्छा लग रहा है और ये पिक्चर देखिए ये है मेरी सासू माँ की तब की पिक्चर जब वो मतलब उनकी नई नई शादी हुई थी और उस टाइम पे आप देख सकते मैं आपको दिखाती हूँ और ये है एक और पिक्चर ये हमारी फैमिली पिक्चर है जो मतलब कभी मतलब जब हमारे हमारे गाँव में एक हैं तो उनकी शादी की पिक्चर है भी बहुत पुरानी है जैसे मम्मी तो नहीं है पापा और भैया हैं और एक और दिखाती हूँ मैं आपको इसमें है मम्मी पापा इधर पापा हैं इधर मम्मी है और ये एक दी की शादी की पिक्चर है तो इसको भी बहुत टाइम हो गया है और इस टाइम मतलब बहुत अलग दिखती थी मम्मी और ये है एक पिक्चर ये है इसमें पंकज और मम्मी है ये भी मतलब पुरानी है मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है लेकिन है इसको भी हो चुके हैं बहुत साल और आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं ये देखिए बहुत पुराना फ्रेम है और ये जिस टाइम पे मतलब पंकज भी नहीं हुए होंगे उस टाइम की पिक्चर्स है मेरी मम्मी और पापा की तो उस टाइम मेरी मम्मी पापा कुछ ऐसे दिखा करते थे थोड़ी ये फोटोज़ चमक रही हैं ये देखिए तो इस टाइम पर मतलब मम्मी बहुत अच्छी दिखती थी मतलब मैं कहती रही हूँ मेरे को पापा मतलब जैसे अभी के हो गए हैं उससे बहुत अलग लग रहे थे उस पिक्चर में और ये देखिए कि बहुत प्यारी से ये हमारे एक दादा के शादी के टाइम खींची थी मम्मी पापा ने और ये कितने प्यारे लग रहे हैं अब मतलब आज की एज से बहुत पुरानी है और मतलब लगभग फिर बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत यंग लग रहे हैं उस टाइम पे मम्मी पापा और 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 ये देख सकते हैं आप ये है नानी की फ़ोटो ये नानी की फ़ोटो तब के जो अभी मैंने इससे पहले आपको फ़ोटोज़ दिखाई मम्मी पापा की उस टाइम की उसी शादी में की है नानी की फ़ोटो और नानी देख सकते हैं इसमें ना, इस इसमें नानी उतनी बुढ़ी नहीं लग रही जितनी आजकल हो चुकी हैं तो इसमें भी नानी बहुत अच्छी लग रही थी आप देख सकते हैं ये भी मम्मी ने बनवा के रखी थी अपनी मम्मी की फ़ोटो और एक बहुत पुरानी फोटो दिखा रही हूँ आपको इसको देख के तो शायद आप पहचान भी नहीं पाओगे कि ये मेरे सास ससुर हो सकते हैं <laughs> ये देखिए ये मतलब मेरे, मेरे सास ससुर की शादी के एक साल बाद की होगी जहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि बहुत छोटे लग रहे हैं इसमें और आप देख सकते हैं मम्मी कितनी छोटी लग रही है पापा को देखिए आप कितने छोटे लग रहे हो इसमें तो उनके शादी की एक साल की एक साल बाद की पिक्चर है तो इसमें तो मतलब मम्मी तो फिर भी मेरे को लग रही है मम्मी मतलब यही हैं आजकल के हिसाब से लेकिन पापा तो पूरे चेंज हो गए हैं मतलब आपको दिखाती हूँ मैं जो लगभग सेम पिक्चर है आजकल की तो ये मम्मी पापा हैं शादी के एक साल पहले और ये हैं आजकल लगभग ऐसे ही दिखते हैं मम्मी पापा तो आप देख सकते दोनों पिक्चर्स में कितना अंतर है आजकल की ये देखिए अभी तक पंकज और मेरी ऐसी कोई पिक्चर नया लगा के नहीं रखी है क्योंकि अभी हमने सोचा है कि हम थोड़े टाइम बाद लगाएंगे हमारी शादी की पिक्चर्स थोड़ी और ये रही एक पुरानी सी पिक्चर है इसमें कमल भैया और पंकज हैं मतलब तो बहुत पुरानी है जब बहुत छोटे थे तब की है और, और ये तो उतनी मतलब वो नहीं है अभी तो जो मेरी बहुत हमारे घर की मतलब बहुत पुरानी पुरानी यादें थी वो मैंने आपको दिखाई मुझे बहुत अच्छा लगा जी जी अपने सामने देख के तो मैं एक बार आपको सारी एक सांस दिखाती हूँ तो आप दो मिनट रुकिए मैं आपको ये सब... अब देख सकते हैं अब हमने यहाँ पे लगा दिए हैं ये सारी चीजें सजा के तो आप सब देख सकते हैं कि हमने पीछे पूरा सही कर दिया है ये सारा मम्मी और मैंने मिलकर अभी किया है और ऊपर के दो तो फूल है वो हमने अभी हटा रखे हैं ताकि हम भी इसको धो दो के दोबारा लगाएं तो आप देख सकते हैं आप पूरा हमने कितने से सजा लिया है तो अभी आ चुकी हूँ मैं अपने रूम पे और अभी बच रहे हैं करेक्ट बार और मैंने अपने कमरे की पूरी सफ़ाई कर दिया है मैं देखते हैं सारा सामान सेट है और इधर भी पूरा बेड वेड भी सही करके साफ सफाई करके एकदम रूम मेरा चमक रहा है अच्छे से तो आज का आपको एक और बात बतानी थी कि आज मेरे व्लॉग अब थोड़े लेट लेट आपको तो लगेंगे क्योंकि एक तो मैंने टाइमिंग चेंज कर दिया पहले से मैं ग्यारह बजे के टाइम पर डालती थी अब मैं दो तीन बजे के टाइम पर डालना स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग उसका भी एक रीज़न है क्योंकि सुबह सुबह हमारे बहुत काम मेरे तो उस टाइम पर मेरे व्लाग एडिट करना होता है बहुत सारी चीजें होती हैं तो हो नहीं पाता है और वो एक ही टाइम पे मतलब मेरे जा नहीं पाते तो मैंने सोचा कि मैं दो से तीन बजे के बीच में हर रोज़ व्लाग डालूंगी तो उधर मेरी टाइमिंग एकदम परफेक्ट रहेगी और एक और प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई है मेरे साथ के यहाँ जितने लोग मेरे मोहल्ले में सबके साथ हो रखी होगी यहाँ आजकल लोग सुबह से लाइट चली जा रही है तो वो मेरा मतलब एक तो मोबाइल पे सुबह से वीडियो शूट करना ये वो आप जानते हैं कि वीडियो शूट करने में ज़्यादा जल्दी बैटरी ख़त्म होती है और चीज़ों से तो बैटरी लो हो जा रही है और अभी मतलब मैंने कल का कल मतलब आज व्लॉग शूट कर रही हूँ तो मैंने आज का भी व्लॉग अभी तक डाला हुआ नहीं है आप लोग देखना ये व्लॉग तो एक दिन बाद आएगा तो उसके पहले दिन का ब्लॉग भी इतना लेट हो जाएगा क्योंकि मुझे पता है ना मेरे फ़ोन में खुद अभी के टाइम पे चार परसेंट बैटरी बची और मैंने ये भी इसलिए रख था कि मतलब मैंने बचा के रखा था कि मतलब मैं कभी से सूट करूँ तो मेरा आज का व्लॉग भी सूट हो जाए मेरी तो लाइट आ ही नहीं रही और एक और दिक्कत थी कि हमारे दो मंजिले में तो लाइट नहीं है लेकिन एक मंजिले में लाइट उठती तो पहले मेरे को पता नहीं चला ऐसा हो रहा है तो मैं नीचे चार्ज वार्ज जगा के आई लेकिन थोड़ी देर में सब जगह लाइट चली गई और पता नहीं क्या चल रहा है इतना और इतना ही ज्यादा लाइट कट रही है आजकल कल भी ऐसे ही हुआ था कल तो हमारे दो मंजिले में दो मंजिले में लाइट गई हुई थी एक मंजिले में लाइट बिल्कुल वैसी ही थी पता नहीं क्या चलता है इन लोग का दिवाली आ रही है तो मतलब पूरी शॉर्टेज रख रहे हैं आजकल लाइट की और ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा टाइम से दे दे एक घंटे के लिए भी दे तो मतलब एक घंटा फिर भी लाइट हो ना लेकिन ऐसा है कि अब सुबह से लेकर अभी तक हो गया बिल्कुल लाइट नहीं है मतलब सब चीज़ लाइट से है जैसे चलते तो टैंकी है सिंटेक्स में पानी हमारा मोटर्स चलता है तो वो चीज़ भी नहीं हो रही है नीचे हैंडपम्प चलाना पड़ रहा है बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हो जाती हैं थोड़ा मतलब एक घंटे के लिए तो फिर भी लाइट देनी चाहिए किसी के मोबाइल फ़ोन में चार्ज नहीं है सब कुछ जॉब पड़े हुए हैं और शायद थोड़ी देर में मेरे मोबाइल फ़ोन ऑफ हो जाएगा फिर तब तक मैं इसलिए मैं थोड़े थोड़े वीडियोस बना रही हूँ और सफाई तो आज जितना काम है तो दिवाली के उससे सारी साफ़ सफाई अब जैसे हमने जो घर की सफाई करनी थी वो तो हमने कर ली ले, लेकिन अब जो धोने की ऐसे फ्लावर था उनको धो रहे हैं तो अब उसके लिए लाइट ही नहीं है पानी ही नहीं है उनको मतलब बाथरूम में रख रखा है लेकिन लाइट ही नहीं है तो वो उसमें भी सारा काम डिले हो रहा है तो नहीं मतलब यही है ना यहाँ का अपने और एरिया में बढ़िया लाइट है लेकिन इधर के एरिया में पूरी लाइट कर रखी है आज तो आप देख सकते हैं बाहर का मौसम कितना अच्छा है इतनी प्यारी सी धूप लगी हुई और मैं बैठी अभी धूप में थोड़ी देर तो अभी बन रहा है हमारे घर में चिकन और इसमें रखे हुए हैं चने चने खाने के लिए चने चिकन के लिए चिकन तो बहुत अच्छे से बना रहे हैं इसको तो अभी आपको बताएंगे कि आज दिन के ब्लॉग के बाद दिवासी कर मैं तो अभी बैठी हुई अपने रूम पे और आज का दिन मैं को तो तो पहले मेरा स्टार्टिंग का दिन बहुत अच्छा फोन में चार्ज भी था और घर की सफाई भी और आप सभी के साथ मैंने बहुत अच्छा सा मतलब अपने ससुर जी का अपने पापा का जो मतलब पुराना उनके फौज के आर्मी के जितने भी चीजें थी मैंने सब शेयर किया लेकिन उसके बाद मेरे साथ हो गया एक स्कैम। मुझे पता नहीं चला कि आज बागेश्वर में सुबह से शाम तक लाइट नहीं होने वाली थी और एक तो हमारे घर में वैसे ही एक खराब हो रखा था लाइट का तो सुबह हमारे छः बजे से ही लाइट नहीं रही तो आप सोच सकते हैं कि दिन भर मतलब आधे दिन तक तो मैंने जैसे तैसे मतलब अपना वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए रखा था फोन उसके बाद मेरा फ़ोन ऑफ हो गया तो उसके बाद शाम को मैं थोड़ा घूमने मेरा मूड मतलब इतना ख़राब हो गया ना कि आज अच्छा ही था दिन पापा भी घर आ गए थे तो मेरे को लगा था मैं तो शूट अच्छे से करूँगी लेकिन आज फ़ोन ऑफ थे और मेरा ही नहीं आज सबका फ़ोन ऑफ था कोई से बात मतलब फ़ोन पे तो बात कुछ नहीं कर सकता था लेकिन आज अच्छा भी था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता भी चली हमें कि हम फोन न होने पर भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं तो अभी तो खाना खा के मैं आ चुकी हूँ और फ़ोन पर भी मैंने चार्ज लगा दिया था जब लाइट आई लाइट कोई सात बजे के आस आई थी तो अभी अब व्लॉग करते हैं पर एंड अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और मैं ऐसे ही व्लॉग आपके साथ लाते रहूँगी और क्या कहते थे, हैं हाँ और क्या कहते हैं अब दीपावली की साफ़ सफ़ाई तो स्टार्ट हो चुकी है आप देख चुके हैं अब धीरे धीरे जो भी कुछ नया होगा मैं आप लोग को जल्दी ही दिखाती रहूँगी तो मिलते हैं अब अपने अगले व्लॉग में तब तक के लिए बाय